आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट के लिए जब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश विजयवर्गीय से पूछा गया कि क्या वह इंदौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे तो देखिए क्या कहा उन्होंने। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर जवाब में कहा, यदि पार्टी आदेश करेगी तो चुनाव लड़ूंगा। साथ ही यह भी कहा कि अभी मेरे पास बंगाल की जिम्मेदारी है और मैं उसका निर्वहन करूंगा। साथ ही यह भी कोशिश करूंगा कि बीजेपी को लोकसभा में बंगाल में ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। तो ठीक रहा बोलना क्या इंदौर से लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है आपकी, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए मैं तो बंगाल में भी व्यस्त हूँ, पर यदि पार्टी आदेश देगी तो मना थोड़ी कर सकता हूँ। कहाँ से लड़ेंगे कुछ ऐसा? कुछ नहीं, वैसे मैं अपना मत बता चुका हूँ और मुझे जो जवाबदारी मिली उसका निर्वहन पहले करूँगा मैं, कि बंगाल से ज़्यादा लोकसभा की सीट आए। सज्जन सिंह वर्मा जो हैं वो कह चुके हैं, उसके बाद कई मंत्री कह चुके हैं कि इंदौर का BRTS जो है उसे उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। क्या आपको सच में लगता है कि इंदौर का BRTS इतना खराब है कि उसे उखाड़ कर फेंक देना? इसमें लोकमत ले लेना चाहिए जनता की, क्या अच्छा, क्योंकि यहाँ पर चुने हुए प्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, विधायक है, सांसद है, उनसे बात करके और चर्चा करना चाहिए।